हाँ भाई, कैसे हो? सब सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारा जो एबीए का पेपर चल रहा है उसमें पहली यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है, अजम्पशंस ऑफ एबीए। इसके अंदर दो आते हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, लर्निंग थ्योरी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग दी किसने। ये जो लर्निंग थ्योरी है दोस्तों, ये दी थी एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे इवान पावलव नाम के। किसने दी? पावलो। इन्होंने, एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये एक लर्निंग थ्योरी है, ये इन्होंने दी। देखिए, इनके अनुसार ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें पावलो ने क्या कहा कि जो व्यक्ति है, ह्यूमंस होते हैं, या फिर हम बात करें कि एनिमल्स की, वैसे तो इन्होंने एनिमल्स के ऊपर ही किया था, बट इन्होंने बताया अपनी थ्योरी में कि जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो कुछ इन है, मतलब अगर हम ये कहें कि जन्म जात कुछ एबिलिटीज होती हैं उनके अंदर। क्या होती हैं एबिलिटीज? जन्म जात कुछ उनके अंदर एबिलिटीज होती हैं। किसके लिए? जो इन्वायरमेंट होता है उसके प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ उनके अंदर एबिलिटीज होती हैं। जैसे इन्वायरमेंट, कोई प्राकृतिक स्टूमुलस मिलता है, प्राकृतिक नेचुरल स्टूमुलस मिलता है, तो उनके अंदर, व्यक्तियों के अंदर या ह्यूमंस के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं उस नेचुरल स्टूमुलस के प्रति। ठीक है, अब जैसे नेचुरल स्टिमुलस क्या है? चोट लग जाए तो हमें क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है हमारा? हमें दर्द होता है। ठीक है, यही है, जैसे हमें भूख लगती है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे मुंह में अच्छा भोजन देख के लार आ जाती है। इसी प्रकार काफी कुछ भी हो सकता है जो नेचुरल चीज है, अचानक से कोई ऐसी घटना देख लें जो अनअप्रोप्रिएट हो या हम कभी सोच भी नहीं सकते, तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, हम डर जाएंगे, रोने लग जाएंगे। ऐसी घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं आयवन पावलोव कि ये जो एबिलिटी है ये इंसानों के अंदर होती है कि नेचुरल स्टिमुलस मिलने पर नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। अब इन्होंने क्या किया कि जब नेचुरल, इन्होंने बेसिकली प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर? एक कुत्ते के ऊपर किया। जब नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस क्या, उन्होंने मान लीजिए फूड लिया था। फूड क्या होता है? नेचुरल है, भूख लगेगी तो खाना देख के, अच्छा भोजन देख के किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। तो कुत्ता जब भूखा था तो उसको सामने खाना देंगे तो वो सीधी सी बात है क्या आएगा, उसके मुंह में भी पानी आएगा या लार आएगी। तो देखिए उन्होंने क्या किया, नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल रिस्पॉन्स, ये तो है नॉर्मल बात। फिर धीरे धीरे नेचुरल स्टिमुलस के साथ अननेचुरल स्टिमुलस, अननेचुरल स्टिमुलस में कुछ भी हो सकता है, बैल बजाना, रिंग बजाना, कुछ भी। तो उसने बैल लिया था, हम बैल लिख लेते हैं, ये उसने जोड़ दिया शुरुआत में। देखिए, अननेचुरल स्टिमुलस अगर कंडीशनिंग नहीं है तो अननेचुरल स्टिमुलस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंडीशनिंग होने के बाद जब ये दोनों एक साथ आते हैं, शुरुआत में इसका कोई असर नहीं पड़ता। फिर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तब अननेचुरल स्टिमुलस जो है वो अगर कुत्ते के सामने दिया जाता है, या अगर प्रयोग की बात करें, जब दिया गया था तो क्या हुआ था, ये जो नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस क्या था? सलाइवा, यानी लार, ये आ गया, सलाइवा अब भी आने लगी। जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई
तब सिर्फ बेल बजी अननेचुरल स्टिमुलस तो लार आने लगी। बट अब ये क्या है, नेचुरल स्टिमुलस नहीं रहा, अब ये हो गया कंडीशन, ये कंडीशनिंग कर दी ना इसके साथ, तो ये क्या हो गया कंडीशन रिस्पॉन्स और ये क्या हो गया कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस और ये कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कुछ मतलब रक्षा मैंने बताया है, अभी हम बात करेंगे प्रॉपर अच्छे से इसको समझेंगे। तो मतलब ये चीजें हैं कि किस में कंडीशनिंग में क्या होता है। अब मेन बात है क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, जब एक कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है इसको लिखूंगा नहीं वैसे ही बता देता हूं मैं, कि जब एक कंडीशन स्टिमुलस, प्रयोग में कंडीशन स्टिमुलस क्या था, बेल थी। जब एक कंडीशन स्टिमुलस दोस्तों, एक सेकंड, जब कंडीशन स्टिमुलस पेश करते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया उसके कंडीशन स्टिमुलस के प्रति कंडीशन रिस्पॉन्स जब आने लग जाता है तो उस तकनीक को या मेथड को क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये चीज याद रखनी है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। कोई भी जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है वो देने पर कंडीशनल रिस्पॉन्स आने लग जाए तो क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं अपन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था, अभी तो हमने ये क्या किया था, थोड़ा रफ आइडिया लिया था एक्सपेरिमेंट का। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था पावलो का। देखिए, अगर इसको मैं वैसे समझाने के लिए बताऊं तो पहले समझा देता हूं एक बार। देखिए, कई स्टेज थी उसपे, कई क्या तीन थी। पहले क्या था, जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग क्या था, बेल थी। बेल से क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। बेल बजाने पे क्या, नो रिस्पॉन्स। फिर फूड से क्या हो रहा था, सलाइव आ रही थी। ठीक है, ये था बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी। ठीक है, अब बात करें ड्यूरिंग कंडीशनिंग की, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग में क्या हो रहा था, ये दोनों चीजें एक साथ दी जा रही थी, बेल प्लस फूड, तो इससे क्या आ रहा था, सलाइवा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग में क्या था, फूड को हटा दिया गया था, सिर्फ बेल बजाई गई, बेल बजाने पे क्या हुआ, सलाइवा आ गई। इस जगह पे क्या हो गया, कंडीशनिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो यहां पे फूड क्या है, फूड क्या है, मैं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस। बेल क्या है, बेल क्या है, अननेचुरल या फिर कंडीशनल स्टिमुलस। और सलाइवा क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां तो नेचुरल, वैसे तो सलाइवा क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, जब कंडीशनिंग हो जाएगी तो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, तो एक रो हो गया। अब इसको याद करने का क्या तरीका है वो हम एक बार देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया था। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, बेल, सॉरी फूड, फूड दिया जाता था क्या होता था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सलाइवा। ठीक है, यहां लिख देता हूं फूड,
ये चीज आती थी, फूड और सलाइवा, अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या हुआ, अननेचुरल स्टिमुलस के साथ जो नेचुरल स्टिमुलस है वो दिया जाने लगा, नेचुरल स्टिमुलस। फिर हुआ क्या, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही आता था, यानी सलाइवा आता था, इसमें नेचुरल क्या है, फूड और ये बैल। ऐसे चलता रहा कुछ दिन तक, काफी दिन तक। फिर क्या हुआ, जब कंडीशनिंग हो गई तो इस चीज को हटा दिया गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया, बैल। और फिर आया जो क्या, कंडीशनल रिस्पॉन्स, सलाइवा। आई सलाइवा, लार ही आई, बट अब क्या हो गया, ये हो गया कंडीशन रिस्पॉन्स। यहां था अनकंडीशन, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है, बट ये जब कंडीशन स्टिमुलस के बाद आने लग जाती है तो ये क्या हो जाता है, कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये प्रयोग था, ये कुछ टर्म से इनको याद कर लीजिए, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, नेचुरल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये कुछ चीजें थी, ये आप याद कर लीजिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो देखते हैं, जब ये कंडीशनिंग करते हैं अपन, तो कंडीशनिंग करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, या फिर कंडीशनिंग की क्या क्या कंडीशंस हैं, वो हम बताएंगे। कंडीशंस फॉर कंडीशनिंग, मतलब जब कंडीशनिंग करेंगे तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या क्या होना चाहिए, वो चीजें हम देखते हैं, ठीक है। पहली तो ये है कि जब नेचुरल स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस और जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसका एक क्रम होना चाहिए, पहले बैल, यानी कि जो अननेचुरल स्टिमुलस थी, और उसके बाद में जो नेचुरल स्टिमुलस है वो देना चाहिए, और तुरंत बाद होना चाहिए, ये इमीडिएट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस, उसके तुरंत बाद बैल, या फिर बैल उसके तुरंत बाद बैल, और उसके बैल बजाई तुरंत बाद फूड, बिल्कुल इमीडिएट, ठीक है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, यानी कि 1-2 सेकंड का ही गैप होना चाहिए बस। दूसरी कंडीशन क्या है, नेचुरल स्टिमुलस को अननेचुरल स्टिमुलस से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव। इफेक्टिव होना चाहिए, क्या, नेचुरल जो स्टिमुलस है यानी फूड, वो किससे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, बैल से। ये भी एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि बार बार दोहराना है, ये जो चीज है साथ साथ वाली, रिपीट करनी है बहुत बार, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है अपना वो है, कंडीशनिंग जब करते हैं तो कंडीशनिंग के लिए इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, यानी कि जब देखिए फूड है, नेचुरल स्टिमुलस है, बट जब ये नेचुरल स्टिमुलस देख के लार कब टपकेगी, जब कुत्ता भूखा होगा, ठीक है, वो कंडीशन है, कुत्ता भूखा होना चाहिए। अगर कुत्ता भूखा नहीं है या कुत्ते का पेट भरा हुआ है तो खाने को देख के उसके मुंह में लार नहीं आएगी, ठीक है। या फिर ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि फूड और बैल बजा रहे हैं तो बाहर से बहुत शोर शराबा हो रहा है, या बैल की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, या फिर और कोई डिस्ट्रैक्शन है, वो नहीं होनी चाहिए, तो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं, ये कंडीशन है कंडीशनिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया हमने, और क्या क्या कंडीशंस हैं ये पढ़ लिया। अब
पढ़ेंगे कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी हमने पावलो की, इसका एजुकेशन में क्या इंप्लीकेशंस है, क्या है एजुकेशनल इंप्लीकेशन। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके कोई कुछ एक जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको छोड़ के ये सब किस पे हुए हैं, एनिमल्स पे हुए हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में मतलब ज्यादा उपयोगी नहीं है, फिर भी मानव जो बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो डेवलप करने में ये काम आते हैं, या कोई बिहेवियर उसको अनलर्न करवाना छुटवाना है तो वहां कंडीशनिंग बेसिकली हम कहें तो वहां काम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हैबिट निर्माण करवानी हो या किसी की हैबिट छुटवानी हो तो उसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हैबिट कैसे भाई, जैसे स्वच्छता का ध्यान रखना, कोई जैसे भय है, किसी चीज से भय लगता है, किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास है उसको दूर करने में, मतलब प्रैक्टिस से और क्लासिकल कंडीशनिंग का हम इन चीजों में उपयोग कर सकते हैं। एक चीज और है, जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं जिनको MR या ID बोलते हैं, उनके लिए भी ये चीजें काम में आती है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उनको ट्रेंड करने में या पढ़ाने में, क्योंकि प्रैक्टिस होती है, कंडीशनिंग कर दी जाती है, तो MR और या फिर ID जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, उन बच्चों के लिए भी उनको ट्रेंड करने में या पढ़ाने में ये काम आती है, ठीक है। तो इतना सब कुछ था क्लासिकल कंडीशनिंग में, ज्यादा कुछ था नहीं। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्विक। पावलोव ने दी क्या था, फूड और बैल को एक साथ प्रेजेंट किया, स्लाइवा आया, जब कुत्ते को आदत हो गई यानी कंडीशनिंग हो गई तो सिर्फ बैल के ऊपर ही स्लाइवा आने लग गया, ठीक है। वो चीजें थी कंडीशनिंग के टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो थी कि माहौल होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए फूड और बैल के बीच में, जो बैल बजाते हैं और फूड देते हैं उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और जो नेचुरल स्टिमुलस है वो ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए उसके लिए, नेचुरल स्टिमुलस ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। तीसरी चीज है एजुकेशनल इंप्लीकेशन, तो हैबिट निर्माण में, कोई आदत छुटवाने में, या फिर जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनको सिखाने में या ट्रेंड करने में ये क्लासिकल जो कंडीशनिंग है इवान पावलो की ये काम आती है। एज सच इसका शिक्षा में इतना ज्यादा महत्व नहीं है, बाकी काम तो आती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये टॉपिक हमने किया, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।